हमारे साथ शंकर सिंह वाघेला जी है और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस कांग्रेस ने आपको सहारा दिया बीजेपी से निकलने के बाद, आप केंद्रीय मंत्री बने, आप उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने, आज उसी कांग्रेस के खिलाफ आप खड़े हैं। ये एक मीथ है। मैं समझता हूँ कि कोई किसी को सहारा नहीं देता है। इज अ रिगार्डिंग सप्लाई एंड डिमांड रेशियो इज देयर। मैं समझता हूँ कि जब ये सीएम वाला मामला था तो मैंने कभी कांग्रेस को सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था। सीएम बनने के चक्कर में हम नहीं थे। बीजेपी का जो मामला हुआ कांग्रेस से बात नहीं की थी, अनकंडीशनल सपोर्ट बाद में किया गया और अहमद भाई का मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मेंटेन भी किया और मतलब विथड्रॉ भी कर लिया। मैंने कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था। मैडम ने सामने से बुलाकर हमको कहा कि आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हैं। आपने आपकी पार्टी खत्म करके जो राष्ट्रीय जनता पार्टी आपने बनाई, बिल्कुल ठीक है, वो विलीन करके आपने कांग्रेस में शामिल तो हुए थे। वो पार्टी हमने बंद कर दिया, पूरी पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो गई। मर्ज हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको लगा कि कांग्रेस बेहतर विकल्प है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला हो रहा है। वो एक ही बात है, जब ये पार्टी नहीं चली तो कांग्रेस से जब बीजेपी को सामने लड़ना था तो नेशनल पार्टी ठीक रहेगी, इस हिसाब से कांग्रेस के साथ हम जुड़े। और कांग्रेस में जुड़ने के बाद कभी हमने नहीं मांगा है, न टिकट मांगी है लोकसभा के लिए, न कैबिनेट मिनिस्टर के लिए हमने कहा है, न पार्टी अध्यक्ष के लिए हमने कहा है, किसी का छीन कर नहीं लिया है। एक गलत इंफॉर्मेशन जो है कि बहुत दिया दिया, अच्छी बात है। आपको लगता है आपका अधिकार था? अधिकार नहीं लगता है, देखिए वो हर एक हिसाब से पार्टी को लगता है कि इनकी जरूरत यहाँ है, अगर जरूरत नहीं होती तो कब से ना बोल देते हमको। देखिए इस सेशन का नाम है एक्स फैक्टर, अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पार्टियों के एक्स फैक्टर हैं, आप बीजेपी के भी एक्स फैक्टर है, आप कांग्रेस के एक्स फैक्टर हो चुके हैं, लेकिन आज आप जिनके सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ तो आपने पूरी मुहिम छेड़ रखी थी। आप ही के वजह से नरेंद्र मोदी को गुजरात छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा था और उसके बाद आपने बगावत की, आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, अब आज उन्हीं के साथ आप जाके मिल रहे हैं। देखिए ये जो पब्लिक लाइफ का कंसेप्ट है ना कि आप कुछ लेने के लिए करते हैं, हमने पब्लिक लाइफ ज्वाइंट किया तो भारतीय जनसंघ से शुरू किया था जहां लेने का सवाल ही पैदा नहीं था। सत्ता नाम की सुंदरी, सत्ता नाम की चीज वहां नहीं थी और जो था मामला उसूलों का था। अगर बापू के डीएनए में ऐसा करने का होता, नमन करने का, तो हम बीजेपी में प्रॉब्लम नहीं था। ये हमारे ब्लड में नहीं है किसी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर राजनीति करना, और इसलिए मौका आने पर हमने छोड़ दिया या निकाला गया जो भी है। नहीं, आप कह रहे जनसंघ में ये माहौल नहीं था, लेकिन आपका ये कहना है कि 80 में जब बीजेपी बनी उसके बाद मामला बदलता गया धीरे धीरे, जब देखिए बीजेपी को सत्ता दिखने लग गई। पावर करप्ट एब्सोल्युटली, और पावर करप्ट जो पावर आई उसके बाद बीजेपी का मामला जो था वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया। आज भी वही है, पावर कांग्रेस के पास थी वही मामला था, पावर बीजेपी के पास है वही मामला है। मतलब पावर नाम की चीज है वो आपको खराब करने में इसका अहम रोल होता है जो नहीं होना चाहिए। पावर पब्लिक के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है, पार्टी के लिए नहीं होता है। सत्ता लोग अपने लिए देते हैं, पार्टी के लोग ये समझते हैं, मेरे का 50 साल का अनुभव है दोनों पार्टी का, पार्टी जो है वो बाद में रहती नहीं है। लोगों को हम प्रोमिसेस देते हैं, हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बाद में नहीं, मैनिफेस्टो ये चीटिंग है। वाघेला जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि संन्यास आश्रम में जा रहे हैं, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पार्टी सत्ता की तरफ जाती है तो पावर उनको करप्ट कर देती है, आप भी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, आपको भी सत्ता में रहना था इसीलिए आपने पार्टी चेंज की। हम रहे बीजेपी में 25 साल, रहे कांग्रेस में भी 25 साल रहा, और बहुत नजदीक से अंदरूनी से हमने राजनीति देखी है। आई एम सॉरी, हाईकमांड नाम की जो चीज होती है पार्टी में, मैं आपके माध्यम से, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी है? मैं सब पार्टी को जानता हूं, पूरे देश की जो भी, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जो भी है, कहीं पर भी डेमोक्रेसी नहीं है। कैंडिडेट्स को राज्यसभा में जाना है तो दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर सेल्फ टू गिव समथिंग। टिकट लेनी है तो देना लेना, नजदीक है तो टिकट मिलना है, यानी कि डेमोक्रेसी में, पार्टी में जो डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है बीजेपी का और कांग्रेस का और जितने भी पार्टी है सबका, डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द, वेर आर द पीपल, यू से मी वेर आर द पीपल। इसलिए लोग बाद में पछतावा के क्या करें, क्या करें, इधर से उधर, इधर से इधर, करें क्या,
यही घड़ी का पेंडुलम इधर से उधर जाता है, ये पार्टी की अंदरूनी जो डेमोक्रेसी नहीं है इसकी वजह से। तो आपका कहना है कि बीजेपी में भी डेमोक्रेसी नहीं थी और नहीं है, ना ही कांग्रेस में, हाईकमांड में नहीं है, कहीं पर भी नहीं, कहीं भी हाईकमांड में कहीं पर भी नहीं है। चलिए हम एक एक करके इन चीजों पर आएंगे। सबसे पहले तो बताइए कि कांग्रेस, आपने कांग्रेस का भी अनुभव लिया है, बीजेपी का भी अनुभव लिया है, दोनों पार्टियों में क्या समानता है और क्या अंतर है? देखिए पार्टीज में आजादी के पहले गांधी जी जो चले थे पार्टी बनाकर नहीं चले थे, उसके बाद जो 52 से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो 15 साल तक पुरानी कांग्रेस का जो पुण्य था, पुण्य 65 तक चला, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तब तक चला। इसके बाद पब्लिक लाइफ में क्यों आना है, हु इन्वाइटेड यू टू ज्वाइन द पार्टी, आपको कौन बुलाता है कि आप आइए हमारी पार्टी में, हम जाते हैं लेने के लिए, देने के लिए नहीं, हम गए थे देने के लिए, लेने के लिए नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। नहीं, आपकी विचारधारा क्या अभी भी जनसंघ और बीजेपी के साथ? नथिंग लाइक आइडियोलॉजी, माफ करना, कोई पार्टी की आइडियोलॉजी है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान। आपकी तो आइडियोलॉजी थी, इसीलिए तो आप जनसंघ के साथ। हमारी आइडियोलॉजी थी, वो वर्कआउट नहीं हुआ तो छोड़ दिया। आइडियोलॉजी कोई भी पार्टी की नहीं, तो चीटिंग है लोगों के साथ। नहीं, तो इस सवाल का क्या जवाब है, दोनों पार्टियों में क्या समानता है? गुजरात में अगर कांग्रेस और बीजेपी देखे, दो ही विकल्प है आज की स्थिति में। सब पार्टियों की समानता टू ग्रैब द पावर, सत्ता कैसे हथियाना, सब पार्टियों का यही मिशन होता है और नेचुरली होता है। लेकिन जिस हिसाब से पावर आता है और पावर का यूज करना चाहिए लोगों के लिए, मेरा तो एक साल का अनुभव था जिसमें मैं बीजेपी से था, कांग्रेस का सपोर्ट था, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट, फटाफट निर्णय, टनाटन गवर्नमेंट आए और फटाफट, ये जो चीज होती है ना, इसकी कमी है पार्टी। लेकिन हमको लगना चाहिए कि हमारी सरकार है। लेकिन आप देखिए ना, मोदी जी भी तो यही कहते हैं, 15 साल से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तीन बार मुख्यमंत्री बने, उनका भी यही कहना है कि जल्दी फैसला लेना, यही तो उनके गवर्नमेंट की खासियत थी, इसी के वजह से बार बार बीजेपी को चुनते आए गुजरात में। आपका विरोध होते हुए भी, आपके जैसा चैलेंजर उनके सामने होते हुए भी, मोदी जी को बार बार गुजरात की जनता ने चुना, ये आपका फेल्योर नहीं लगता आपको? आपके एक जमाने में बहुत अच्छे फॉलोअर दोस्त सभी रहे हैं वो। देखिए 71 में इंदिरा जी गरीबी हटाओ, 77 में जनता पार्टी जो पार्टी थी नहीं, फ्रंट था, जब प्रकाश जी आए सिंहासन खाली करो कि जनता आती, यानी कि जो माहौल बनता है वो माहौल और वोट करना, दे कांट गो टुगेदर। यहाँ जो गोधरा का हुआ 2002 के बाद, किसने करवाया, क्यों करवाया, हिंदू हिंदू हो गए, ये क्या वोट का जो तरीका रहा, वहाँ कॉमन मैन की अपनी बात जो होती है वो खत्म हो जाती है। पार्टी में एक भी जैसे कॉमन मैन, अच्छे दिन आएंगे, किसके आए, कैसे आए, कांग्रेस ने भी कहा था कि आम आदमी की, आम आदमी कहाँ गया, ये जो चीज है ना लोगों के दिमाग में, ये जो मुद्दा डाला जाता है जो ही होता ही नहीं है, वोट लेने के लिए आप एक्सपर्ट लोगों से मिलकर कौन सी चीज से लोगों को चीटिंग किया जाए, नहीं वोट कैसे ग्रैब किया जाए, ये मामला होता है। वाघेला जी 2002 की बात करें तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि गोधरा का मामला था, दंगे हो चुके थे, माहौल गर्म था, उसमें वोटिंग हुई हम कह सकते हैं। लेकिन 2007-2012 दोनों बार उसके बाद लोगों ने मोदी जी को चुना, और उसके उस वक्त जो पूरा उन्होंने गुजरात की जनता के सामने रखा वो डेवलपमेंट मॉडल की बात रखी थी, और आपका प्रचार उनके सामने सफल नहीं हो पाया। सद्भावना यात्रा उन्होंने की, आप भी तब यहाँ पर साबरमती आश्रम में बैठ गए थे उनके सामने, लेकिन आपकी बात नहीं मानी। गुजरात का विकास मॉडल लोगों ने एक्सेप्ट किया, तभी तो मोदी जी को बार बार उन्होंने मौका दिया। ऐसा नहीं है, मैं लेट मी टॉक रिगार्डिंग 2012 12 में कांग्रेस के 28 कैंडिडेट्स ऑफ द असेंबली 11th आवर मैंडेट चेंज करना, यानी कि 3 बजे मैंडेट का पूरा होता है, 2:30 बजे एक आदमी मैंडेट लेकर आता है। कौन आता है? वर्कर, कैंडिडेट पार्टी का, और दूसरे को कहा जाता है कि तुम फॉर्म भरो, मैंडेट का इंतजार करो। 28 सीटें 12 में 11th आवर चेंज हो गई कांग्रेस की गुजरात में, और इतनी ही कम पड़ी। 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, बीजेपी हार जाती, अगर 11th आवर इधर से इधर न करते तो। किसने चेंज किया ये? पार्टनर, ये किसने चेंज किया ये जो, दैट इज द हाई कमांड, दैट इज माय प्रॉब्लम, कि डू होमवर्क, इलेक्शन आना है तो होमवर्क करिए। 4 कैंडिडेट है तो किसी को एक को टिकट मिलना है, 3 को संभालिए, कोई नहीं पूछता, बस टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू आर हाई कमांड। ये जो ह्यूमन टच की अमानवीय व्यवहार है ना पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ,
फिर वो कार्यकर्ता दिल लगाकर काम नहीं करता। नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि विकास मॉडल की वजह से उनको समर्थन नहीं मिला मोदी जी को, कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से, हाईकमान ने फैसले ठीक से नहीं, इसके वजह से उनको सफलता मिलती रही बीजेपी को? देखिए, विकास नाम की चीज जो है ना, इस अ वर्ड। आप आज 30 साल के हैं, 5 साल के बाद क्या होगा, 35 साल के होंगे, इस अ डेवलपमेंट। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आजाद तो होना ही है उसको। अगर 20 साल का लड़का बड़ा होने के बाद डांटी मूछ नहीं होगी, अगर वो विकास नहीं होगा तो लोग डाउट करेंगे कि क्या है ये विकास। विकास लेट मी से कि ये विकास मेरा है तो मैं दुखी नहीं होना चाहिए। मैं वोट देता हूँ, वोट देने के बाद गवर्नमेंट बनाता हूँ, फिर एजिटेशन करता हूँ तो वोट क्यों दिया? ये जो मामला है ना, लेट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट नहीं है। आज हमने कैबिनेट मिनिस्टर में हमने तकरीबन 2000 वर्कर्स को कमिटी में डाले थे। गुजरात में हमने तकरीबन 5000 वर्कर्स को कमिटी में डाले थे। वर्कर को क्या है, उसको क्या चाहिए? सिर्फ आपका झंडा उठाना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। गवर्नमेंट आने के बाद डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो नहीं है। एक भी वर्कर को कहीं डाले तो खुश रहेगा कि चलो मैं ये पावर में पार्टिसिपेट करता हूँ, यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टी वर्कर्स पार्टिसिपेशन नहीं है। नहीं, लेकिन वाघेला जी, आप पर तो आरोप यही लगता है ना कि जो इलेक्शन से मैंडेट लेकर जो सरकार बनी थी उसको तोड़ मरोड़ करके विधायकों को उठा ले जाके उसको गिराने का काम आपने किया, तो वो जो पीछे की राजनीति है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती है वो राजनीति तो आपने की, उसी के वजह से आपकी सरकार बनी। और अभी राज्यसभा इलेक्शन में हमने देखा कि तब भी वही हुआ कि आपके बीजेपी के हम मालिक थे, वर्कर थे, बनाने के लायन शेयर थे, मेरा राइट था बीजेपी को डिस्टर्ब करने का। साइमल्टेनियसली बीजेपी को भी राइट था पार्टी बचाने का, ये मत भूलिए। हमारा दोनों का झगड़ा जो रहा बीजेपी का, मेरा राइट था। बीजेपी को भी अपने एमएलएस को रोकने का राइट था। गवर्नमेंट नहीं बनानी थी, कांग्रेस से बात नहीं हुई थी, जो आए वो दुखी होकर आए थे, और वो इसलिए आए कि जहाँ थे वहाँ खुश नहीं थे। हमने किसी को दिया नहीं है गवर्नमेंट बनेगी, आओ मंत्री बनाएंगे, कुछ नहीं था। इसलिए पार्टी तोड़ने का जो है वो हमारा राइट था। बीजेपी ने बचाने के लिए जो कोशिश की वो बीजेपी का राइट है, इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट। लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो 2014 में गुजरात विधानसभा में मोदी जी को विदाई दी गई कि आप अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपने भाषण दिया उसमें, बिल्कुल ठीक है, और उसमें मोदी जी भी भावुक हो गए, उन्होंने या कहा कि आप मोटर बाइक चलाते थे और उनके पीछे मोदी जी बैठते थे, प्रचार करते थे, उसके बाद आपने एक दूसरे को गले मिले। लोग कहते हैं कि वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई वाघेला जी का कांग्रेस से दूर जाने की और अब बीजेपी के नजदीक जाने की। ये जो गले मिलने की आदत है प्रधानमंत्री जी आज के, और शुरू हुआ असेंबली से हमारे साथ, वो सीधे आए, इनको मिलना चाहिए, हम तो पहल नहीं करेंगे क्योंकि वो पीएम बनने जा रहे थे, वो आकर मिले। और उसके बाद जो कथा हुई, इसमें मेरे जो पॉइंट थे, राम मंदिर का पॉइंट थे, पंडित जी को श्रीनगर में पंडितों को बसाने का पॉइंट था, दुनिया भर के कॉमन सिविल कोड का पॉइंट था, एक भी पॉइंट 3 साल में पूरा नहीं हुआ है। हमने हमारे संबंध से कहा कि आपसे हाई एक्सपेक्टेशन होगा क्योंकि आपने कहा है कि ये होगा, नहीं हुआ। इसके बाद जो होता है कि पार्टी को जिस हिसाब से चलाना चाहिए वो भी नहीं चली, इसलिए वहाँ से ये जो मामला शुरू हुआ वो ठीक नहीं है। वो भी मैंने पूछा था पार्टी को, क्या विदाई समारंभ में उपस्थित रहना है? अर्जुन भाई हमारे अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, करिए। तब हमने यहाँ कहा था एक, इसके बाद कांग्रेस के साथ 1 साल से मैं कहा कि दिसंबर 2017 में चुनाव आना है, होमवर्क करिए, अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट करिए, हमको सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स में कंसल्टेशन परामर्श करिए, अभी से ओके करिए, 3 दुखी होंगे इसको संभालेंगे कि भाई बैठो, चिंता मत करो, लेट द गवर्नमेंट कम, उसके बाद आपका देखा जाएगा। ये होमवर्क नहीं करना है और सीधे फटाक से आना है कि भी चलो रेस में आ जाओ, तो ये नहीं होता है। लेकिन अहमद भाई से आपका क्या झगड़ा था? उन्होंने तो आपकी सरकार बनाने में मदद की, आपको मुख्यमंत्री बनाने में आपकी मदद की, तो आप उन्हीं को हराने में आप लग गए थे, आप उनके विधायक को भगा के लेके जा रहे हैं। ये भी एक मीथ है। अहमद भाई हमारी दोस्ती 77 से है, वो कांग्रेस में थे, मैं जनता पार्टी में था, आज भी है। उसमें पर्सनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहमद भाई ने हमको कहा कि आप रिजाइन करिए एज अ एमएलए,
आई टोल्ड ओके आई विल रिजाइन. मैंने अध्यक्ष साहब को फोन किया कि मैं विधायक से इस्तीफा देना चाहता हूं, कब आऊं. इन्होंने कहा कि 8-9 को असेंबली बुलाई है, इसके बाद आप दीजिए. मैं दूसरा जो आपको कहता चाहता हूं कि विद इन पार्टी कॉन्स्पिरसी और पार्टी टू पार्टी मैच फिक्सिंग जो हमारे ब्लड में नहीं है. मैच फिक्सिंग मतलब कैसे? विद इन पार्टी कॉन्स्पिरसी. हम है तो हमारे सामने तीन इकट्ठे हो जाएंगे. पार्टी में क्यों कॉन्स्पिरसी करते हैं? ये सब पार्टियों में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है. ये मेरा अहम मुद्दा है विद इन पार्टी कॉन्स्पिरसी जो हमारे ब्लड में नहीं है. कांग्रेस के वर्कर ने बहुत प्रेम दिया, बीजेपी के लोगों ने भी बहुत प्रेम दिया. वर्कर का कोई कसूर नहीं है. लीडर जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात जो है वो सब पार्टियों में है. एक विद इन पार्टी कॉन्स्पिरसी और पार्टी टू पार्टी मैच फिक्सिंग वो हमारे ब्लड में नहीं है. पार्टी टू पार्टी मैच फिक्सिंग और असुरों में नमन करना अपने लिए बीजेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर मैं ऐसा करता. जी 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 वो हमारे डीएनए में नहीं है. कांग्रेस में भी कहा गया कि आप सीएम के कैंडिडेट होंगे. मैंने कहा ऐसे नहीं होना है. मैं कैंडिडेट भी, मैं एमएलए भी नहीं लड़ना, कॉन्टेस्ट नहीं करना है, सीएम नहीं बनना है. हमको तो गवर्नमेंट लानी है. इसके बाद भी कुछ नहीं करना है, आज तक भी नहीं करना है. बताइए 1.5 महीना इलेक्शन का बाकी है, हम तो नहीं है कांग्रेस में. क्यों नहीं होता है मामला? ये विदाउट होमवर्क कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा. आज की तारीख में कांग्रेस ने पूरी ताकत तो झोंक दी है. राहुल गांधी सर जगह जगह जाके अच्छी बात है यात्रा कर रहे हैं, प्रचार सभाएं कर रहे हैं, करना चाहिए. और ऐसा माहौल तो खड़ा किया है. विकास गांडो थे गए, पूरा कैंपेन उन्होंने चलाया, उसको काफी सपोर्ट मिल रहा है. तो अभी तो ऐसा लग, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि वाघेला जी तब तक थे, तब तक वो सैबोटाज कर देते थे. अभी प्योर कांग्रेस ही कांग्रेस में बच गए, तो अभी हम चला रहे हैं कैंपेन. प्योर कांग्रेस है नहीं, सिद्धार्थ भी कौन से प्योर कांग्रेस? सिद्धार्थ पटेल जनता दल के है. मतलब वो अलग चीज है. कोई पार्टी में आप जाते तो ब्रांड में आप आ जाते. इसके पीछे नहीं लगाना चाहिए कि ये इधर पार्टी का है, उस पार्टी का है. हमारी पार्टी में बिटवीन द लाइन्स ठीक है क्या ये? और दूसरा ये जो मामला है कि ये एक दूसरे के अनाप शनाप बोलना. मैं मोदी या अमित शाह का कभी क्रिटिकल नहीं रहूंगा. मैं अहमद भाई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का क्रिटिक नहीं बन. पर्सनल कभी नहीं कहे और पर्सनल होना भी नहीं चाहिए. आप पार्टी के बारे में कहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहिए. लेकिन आप तो पर्सनल क्रिटिक रहे हैं. 2002 के चुनाव में हमको आपके भाषण याद है जब आप मोदी जी को एल्यूमिनियम पुरुष कहते थे. आप 2002 में जो दंगों की बात निकलती थी तब आप नरसंहार की बात करते थे. 2007 में भी जो कॉइन टर्म किया गया था तो उसमें भी आपका उसमें हाथ था. पर्सनल नहीं था तो ये एल्यूमिनियम पुरुष तो पर्सनल अटैक ही. पार्टी के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ने ये किया, इस गवर्नमेंट ने वो किया. और दूसरा ये जो घड़ी का पेंडोलम है, लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिए, 25 साल तक दिए, अब नहीं दिए. इनको अनुभव अच्छा नहीं हुआ होगा. बीजेपी को वोट दिए, अनुभव अच्छा नहीं है, फिर कांग्रेस में जाएंगे. घड़ी का पेंडोलम बीजेपी की ओर से जहां अनुभव अच्छा नहीं है, वोट नहीं दिए, वहां फिर जाएंगे क्या? क्या तीसरी चीज नहीं होती है क्या? जनता पार्टी कहां थी? डीएमके कांग्रेस थी तो एआईडीएमके कहां था? मुलायम वाली पार्टी कहां थी? मायावती कहां थी? शिवसेना कहां थी? बीजू पटनायक कहां थे? ममता कुलकर्णी कहां थी? ये लोग कहां थे? यही थर्ड फ्रंट, पूरे देश में थर्ड फ्रंट ही शासन करता है. तो आप अभी थर्ड फ्रंट का झंडा लेके घूम रहे हैं? बिल्कुल. हम जो है कि भी इससे अनुभव ठीक नहीं रहा, यहां अनुभव ठीक नहीं. कहां जाएंगे? वही जाना है जहां मरे थे. ये जो मामला है ना, उसके बारे में सोचिए आप. नहीं लेकिन वाघेला जी, अभी तो राजनीति में लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं. कांग्रेस का थोड़े चांसेस बनते नजर आते हैं. अगर थोड़ा बहुत कुछ माहौल दिख रहा है तो उसमें आप अड़ांगा डाल रहे हैं. आप एक अपना मामला लेके खड़े हो गए तो आप एक बी टीम करके काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है. माहौल तो 90 से 60 सीटों से कांग्रेस 61 नहीं हुई, 1990 से आज तक असेंबली में कांग्रेस 61 क्रॉस नहीं किया. सेम विद लोकसभा. फिर दूसरा आप कहते हैं बीजेपी की बी टीम सी टीम. क्या केजरीवाल बीजेपी को हराने या कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने आप पार्टी बनाई थी दिल्ली में? ये वोटर्स का अपमान है. ये आप वोटर को कैसे कह सकते हैं कि किसी की ये टीम है बी टीम है? हमारे जितने भी पॉइंट है सब एंटी गवर्नमेंट है, एंटी बीजेपी है. कांग्रेस को तो 25 साल से शासन में है ही नहीं, इसलिए कहने का कोई सवाल ही नहीं है. नहीं, वो इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव में आपके जो समर्थक विधायक थे वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करने के लिए निकले थे, इसके लिए लोग कहते हैं. मैंने नहीं भेजे है दिल्ली हाईकमान ने. हमने कहा कि लोग बीजेपी में जा रहे हैं, रोकिए. नहीं रोकना है, जाने दीजिए. ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूं. फिर भी कहा कि लोग बीजेपी में जा रहे हैं, रोकिए. नहीं रोकना है, जाने दीजिए. भाई कौन ऐसा कहेगा? क्यों कहेगा? हमने कहा राज्यसभा आ रही है, प्रॉब्लम होगा. बोला ठीक है, कंटेस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं.
अगर जानबूझकर बीजेपी में धक्का मारना है तो शंकर सिंह वाघेला ने तो रोकने की कोशिश की थी। और मैच फिक्सिंग जो है, जो हमारे जहन में नहीं है, हमारा वोट नहीं देने का कारण मैच फिक्सिंग है। रात को 11 बजे इलेक्शन कमीशन जो कुछ नहीं कर सकता है वो खुलाकर अगर इनसे एंटी गवर्नमेंट स्टैंड उस कमीशन का जिनका वो कामकाज है ही नहीं, इट इज नॉट अंडर देयर परव्यू। लेट आरओ टू डिसाइड, रिटर्निंग ऑफिसर को तय करना था। और ये जो मामला है वो मामला मैं बहुत डीप में जाना नहीं चाहता। नहीं, मैच फिक्सिंग किस में है? बीजेपी कांग्रेस के बीच में मैच फिक्सिंग है, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में मैच फिक्सिंग है, किस चीज की मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं गुजरात में? आप कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं। खुल के बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने नजदीक के हमारे दोस्त है सब लोग समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। नहीं तो अगर सभी लोग आपके नजदीकी दोस्त है तो लोग आपको वोट करेंगे ही क्यों? आप उनको लगेगा कि भाई अमित भाई भी आपके नजदीकी दोस्त है, अमित शाह भी आपके नजदीकी दोस्त है, नरेंद्र भाई भी आपके नजदीकी दोस्त है, तो आपका अपना वजूद कहां पर खुला होगा? देखिए, पार्टी में पार्टी अलग चीज होती है, पर्सनल रिलेशन अलग चीज है। 77 में अहमद पटेल कांग्रेस के एमपी होने के बावजूद इनके घर में क्यों खाना खाने जाता, बीइंग अ स्टॉन्च जनता पार्टी सपोर्टर? आप बताइए, रिलेशन अलग चीज है। इंदिरा जी इमरजेंसी में हारने के बाद इनके घर जाने वाला मैं था। मैडम कोई बात नहीं, मैं तो जनता पार्टी का एमपी था, फिर भी इनके पास मैं गया था। और ये जो चीज होती है ना वो अलग चीज है। चलिए, अभी इस चुनाव में आप एक थर्ड फ्रंट की तरह सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितनी जगह पर आपके उम्मीदवार खड़े करेंगे और किस तरीके से आप पटेल आंदोलन है, बाकी सारी चीजें हैं, उसको लेकर आप कांग्रेस या बीजेपी के अलग अपनी क्या भूमिका लेके आए? एजिटेशन का अब तो सम एक्सटेंट होता है, अब तो इलेक्शन में लोग लग गए हैं, मामला इलेक्शन की बात, इलेक्शन के बाद एजिटेशन का रहने का सवाल ही पैदा नहीं। हम मैक्सिमम 182 की कोशिश करेंगे। अच्छे लोग चीटर पब्लिक में पूछे कि चीटर है उसको टिकट नहीं देंगे, कुछ लेने के लिए आता है उसको नहीं देना है। और गुजरात बेसिकली राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट में ये पटेल है, ये कड़वा है, ये लेवा है, एक क्षत्रिय है, ये वो है, ये परमार है, ये सोलंकी है, ये दलित है, ये चमार है, ये वनकर है। ये जो मामला है इसमें तीसरी चीज की इतनी संभावना है कि गुजरात में असेंबली के लिमड़ी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, महुआ कितनी है, एक्स कितनी है, वाई कितनी है, ये जो मामला है वो पूरा अभ्यास के बाद हम कह सकते हैं कि तीसरी शक्ति जो है एक ऐसे इस हिसाब से जन विकल्प न बीजेपी न कांग्रेस क्या विकल्प नहीं है क्या? तो विकल्प तो हर जगह होता है, सुबह शाम का विकल्प नहीं होता। गुजरात ने ऐसे विकल्प की तरफ देखा नहीं, किशु भाई ने भी इसकी कोशिश करके देख ली, उनको भी सफलता नहीं मिल पाई उसमें। आपको कितना लगता है कि ये विकल्प आपके लिए? ये एक आप कल की बात कैसे करते हैं? आपको क्या, आप पार्टी दिल्ली में थी क्या? वो बिजू पटनायक पहले पार्टी थी क्या? मुलायम की पहले पार्टी थी? एमजी रामचंद्र निकले डीएमके में से, वो पार्टी पहले थी? शिवसेना पहले थी क्या? ममता कुलकर्णी गई तो बीजेपी के या कांग्रेस के या सीपीएम के वोट तोड़ने गई थी क्या? सब अपने लिए जाते हैं। इसलिए ये जो मामला है इस आप देखिए कि इस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि थर्ड विकल्प देने की कोशिश शंकर सिंह वाघेला जी की तरफ से हो रही है, और उनका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से हटकर एक विकल्प देने की उनकी कोशिश रहेगी। जो नीचे तबके के लोग हैं, एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इस बार हम देखें कि कुछ एक नया विकल्प हमको दिखे, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा कौन अगर निकल कर आता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।